हेलो एवरीबॉडी, मैं आज आपको हेयर प्रॉब्लम्स के लिए मतलब टोटली ऑल जो आपका सारी बालों की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया है, बाल्डनेस है, डैंड्रफ है या इचिंग है, हेयर फॉल, थिनिंग ऑफ हेयर, सबके लिए आज मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ अपना बना के। और इसमें आप उसको हेयर पोमेड बटर या हेयर बटर मास्क की तरह एंड यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों की जड़ों में आप लगा सकते हैं, हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। ये हर्ब्स का मिक्स है, बटर का मिक्स है और ऑयल का मिक्स है। मैं मेजरिंग अपना जो है बताऊंगी आपको और उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। आपको मेरे से क्लासेस लेनी है तो मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब चैनल भी है फेथ हर्ब्स। मैं कुकिंग, बेकिंग और कॉस्मेटिक मेकिंग की क्लासेस भी लेती हूँ। फेसबुक पे मैंने सब अपना वीडियोस या पेज पे अपना सब डाउनलोड कर रखा है काम, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्मॉल स्केल या लर्न करके आप अपना घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। अब मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट लिस्ट के मैंने क्या क्या यूज़ किया है। ये मैंने कलौंजी ली है, कलौंजी ये मैंने लिया है ग्रीन, ये मैंने भृंगराज लिया है, भृंगराज ब्रह्मी पाउडर्स। ये मैंने साबुत मेथी दाना लिया है जो बहुत अच्छा है बालों के लिए। ये सबका आप गूगल कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट, क्योंकि अगर मैं सबका बेनिफिट्स बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कड़ी पत्ता है, ये मेथी दाना है, ये करी लीव्स हैं, करी लीव्स आप ले सकते हैं। ये आंवला शिकाकाई और आपका आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर है। और ये है नीम, फ्रेश नीम की लीव्स का मैंने पाउडर बनाया है घर पे। ये रोजमेरी है और ये लेमन, लेमन जो होता है ब्लैक वाला लेमन, उसका पील जब काला हो जाता है लेमन, क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, ये उसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है। और ये है ऑरेंज पील पाउडर। ये मैंने यहाँ पे बटर्स लिए हैं, ये मैंगो बटर और शिया बटर, कोकुम बटर, बीज वैक्स वाइट वाला ऑर्गेनिक जो होता है, विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। और मैंने ये लिया है थर्ड टाइप का सोया का जो आपका वैक्स निकलता है वो। फ्रेश मैंने एक पूरी एलोवेरा की लीफ जो है वॉश करने के बाद उसके पीसेस काट लिए हैं, ये ऐसे छोटे छोटे। और ये मैंने फ्रेश पार्सले और फ्रेश आपका धनिया जो होता है, कोरिएंडर जिसे हम बोलते हैं, हरी धनिया और पार्सले जो होता है, ये दोनों सेम लगते हैं बट इनका स्मेल से आप पहचान जाएंगे कि ये अलग अलग हर्ब्स होते हैं। ये बालों के बाल्डनेस के लिए, बालों का जो गिरना है, झड़ना है, 2 महीने से 3 महीने के अंदर आपका एकदम फ़र्क लगने आपको लगेगा। आप इसको अपने रूट्स में लगा सकते हैं अच्छे से। तो ये मैंने धो के इनको एक एक बंच ले लिया है, पार्सले और ग्रीन कोरिएंडर। अब मैं इसको हरी जो ग्रीन है मेरे पास, ग्रीन ये पार्सले और हरी धनिया एलोवेरा के साथ मैं इसका मिक्सी में इसको पीस लूँगी, ग्राइंड करूँगी। ये मैंने ऑयल्स मिक्स करे हैं, लाइट ऑयल्स हैं, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। ये मिक्स मैंने मेजर किया है अपना मेजरिंग स्केल से, ये मेजरिंग स्केल है, इससे मैंने मेजर किया है। विदाउट मेजरिंग तो नहीं चल पाता है, मेजरिंग का स्केल होना चाहिए आपके पास, तभी आप बना सकते हैं इसको। और ये मैंने इसको मिक्स हर्ब्स जो हैं अभी मैंने सब पीस लिया है इसको। अब मैं इसको इन ऑयल्स में इसको छन्नी से छान दूंगी। ये इधर मैंने जो है प्यूरी बनाई थी हर्ब्स की, वो मैंने इधर डाल दी है। एज यू कैन सी, ये आपका पूरा ये ऑयल में मिक्स तैयार हो गया है। और इधर मैंने ये सब बटर्स जो थे और वैक्सेस जो थी, इनको डबल बॉयलर में मैं मेल्ट कर रही हूँ। ये जो सारे हर्ब्स हैं, ड्राई हर्ब्स, अब मैं इसमें मिला के इसको एक बार और ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी ताकि सब एक साथ मिक्स हो जाए।
अब मैंने इसको लो टेम्परेचर पर जो मैंने ऑयल और सब हर्ब्स, ग्रीन हर्ब्स जो थे, ड्राई हर्ब्स जो थे और लीफी ग्रीन्स जो थे, सबको मैंने ऑयल के साथ ब्लेंड करने के बाद अभी डबल बॉयलर में मैं इसको लो फ्लेम पर जब तक इसको हीट करूँगी जब तक ये एक साथ मिक्स ना हो जाए और सारे ऑयल्स और हर्ब्स में अच्छे से मिक्स होने के बाद ये अपना कलर थोड़ा चेंज करेगा, फिर मैं इसको छन्नी से छान लूँगी। ये मेरे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो अभी इसमें बनने के बाद डालूँगी। यूकलिप्टस है और इसमें रोजमेरी जाएगा, इसमें ट्री ट्री, लैंग लैंग, लेमन ग्रास। आप देख सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लिपस्टिक बना रहे हैं या हेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कौन सा आप कौन सा वाला एसेंशियल ऑयल उसमें यूज़ होता है। सो मैं बेसिकली जो क्लासेस लेती हूँ तो उसमें सब बताती हूँ कि कौन सा स्किन केयर में कौन सा आपका एसेंशियल ऑयल ब्लेंड और कौन सा प्रिजर्वेटिव और कौन सा उसमें सामान यूज़ होगा। विद प्रॉपर मेजरमेंट के बगैर ये सब काम नहीं आप कर सकते क्योंकि इसमें मेजरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है। मेजरमेंट्स के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इवन बेकिंग एंड आपका स्पेशली मेकिंग कॉस्मेटिक्स। और मैंने अभी मास्टर क्लास अपना फेसबुक पेज पे डाला है अपना एड के मास्टर क्लास कोल्ड प्रोसेस सोप की मैं ले रही हूँ। अभी 1 जून से मेरी प्लानिंग है कि मैं स्टार्ट करूँगी। ऑनलाइन होंगी या जूम पे मैं आपको डेमो करके दिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं। उसमें पूरा जो केमिकल फॉर्मूला होता है सोप की पूरी थ्योरी और उसका जो बेसिक सोप कैलकुलेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑयल्स को या उसमें कैसे आप ऑयल ब्लेंड्स हैं, पूरा कितना मेजरमेंट होता है उसको पढ़ना, उसको कैसे फ्लावर्स बनाने उसके ऊपर जो वो है वो मैं पूरी, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे फेथ हर्ब्स पे, उस पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और मैं सब उसमें डिटेल से बताऊंगी। फिर लिपस्टिक, लिप बाम 5 प्रोडक्ट्स हैं, फिर मैं उस कॉस्मेटिक्स पे उसका भी कोर्स ऑनलाइन लूँगी। फिर ये प्रिजर्वेटिव डलेगा इसमें जो कि स्किन सेफ है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव इसलिए डालना पड़ेगा और विटामिन ई, क्योंकि इसमें वाटर गया है। वाटर जाने से ऑयल में या किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि वरना उसमें फंगस या मोल्ड आ जाएगा, इस वजह से हम उसको ज़रूर उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि उसमें आप फंगस या उसमें आपका बैक्टीरिया ना आए। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है क्योंकि ये हर्ब्स हैं, तो ज़्यादा मैं इसे बॉयल नहीं करूँगी, वो ग्रीन टेक्सचर्ड ही रहना चाहिए वरना उसका जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं वो बालों के लिए वो उसके चले जाएंगे। आप ये देख सकते हैं पूरे ऑयल्स और बटर्स जो थे वैक्सेस जो थी वो पूरी मेल्ट हो गई हैं। अब मैं ये इसमें धीरे से पोर इन कर रही हूँ। सब काम हम वेरी लो फ्लेम पे करेंगे, बहुत कम आँच पे करेंगे कि ताकि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसमें हम चाहते हैं बालों के लिए या स्किन के लिए वो ख़राब नहीं हो। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए। ये मैंने फ्रिज में से निकाला है, आप देख सकते हैं ये जम गया है, ये देखिए ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, बट क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी वीडियो लंबा हो जाता तो मैंने ये थोड़ा पहले निकाल लिया है। और अगर आपके पास हैंड विस्कर है और या फिर आपके विस्कर है या हैंड ब्लेंडर है तो अब आप इसको हैंड ब्लेंड कर लेंगे। अब ये मैंने इसमें टी ट्री ऑयल है मेरा ऑर्गेनिक, इसमें मैं टी ट्री ऑयल डाल दूंगी। टी ट्री ऑयल ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ और आपको एक्जीमा की प्रॉब्लम है तो ये उसको दूर करता है।
उसके बाद ये मेरा ये है यूकेलिप्टस ऑयल, इसकी कुछ यूकेलिप्टस ऑयल है, इसको भी मैं कुछ फ्यू ड्रॉप्स आई विल पुट। उसके बाद इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जाएगा। ये अभी सेमी सॉलिड दिख रहा है आपको, लिक्विडी स्टेट में, बट जैसे जैसे आप इसको थोड़ा फ्रिज में रखेंगे ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बटर्स और ऑयल्स का मिक्स है। अब मैं इसमें प्रिजर्वेटिव डाल रही हूँ। प्रिजर्वेटिव इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें वाटर यूज़ हुआ है, तो वरना मैंने पहले भी बताया था इसमें फंगस आ जाएगा। फिर अब हम इसको एक बार और ब्लेंड कर देंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें विटामिन ई, यू कैन टेक ऑयल, आप ऑयल भी ले सकते हैं, आप कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, और आप इसमें 4 to 5, क्योंकि मेजरमेंट लिया है मैंने तो उसके हिसाब से इसमें 4 to 5 कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई ऑयल सबसे मैंने लास्ट में डाला है, ये सबसे लास्ट में डलता है, और ये इसमें मैं डाल दूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये मेरा क्रीमी हेयर फर्टिलाइज़र या पोमेड या बटर या सब चीज़ों का जो है इसका मास्क बोल लें आप इसको, आप ये रेडी हो गया है लगभग मेरा, 1 kg बन गया है। और इसको आप रूट्स में लगाएं, आप रूट्स में लगाएं अपने नहाने से पहले, और आप इसको अपने रूट्स में लगा सकते हैं, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपके बाल्डनेस है, मतलब कहीं पे आपको लग रहा है बाल कम हैं, पतले हैं, और आपके बाल नहीं उग रहे हैं जहाँ पे, फ्रंट में, बैक में, आप इसको फ्रिज में रखना है। इसकी शेल्फ लाइफ 6 months to 1 year है, या 2 years भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसको लें और इधर रूट्स में ऐसे करके, रूट्स में ही लगाना है, हेयर लेंथ में नहीं लगाना है, और इसको ऐसे ही कुछ बॉयल भी नहीं करना है, बस इसको लें थोड़ा सा और अपनी रूट्स में लगा लें। फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप पूरा दिन अपना काम भी कर सकते हैं, काम कर सकती हैं आप किचन का, फिर आप इसको अपना धो सकती हैं, नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे हर्ब्स हैं। तो अगर आप वॉश करेंगे तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि शैम्पू की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नेचुरली ऑयल रहेगा। आपको डेली यूज़ करना है इसको, 2 to 3 months तक आपके नए बाल आ जाएंगे, या कहीं पे आपके गंजापन है, बाल्डनेस है, एक्जीमा है, डैंड्रफ है, सिरोसिस है, और आपके थिनिंग ऑफ हेयर है, बाल नहीं उग रहे हैं, तो ये हेयर फर्टिलाइज़र बोलते हैं इसको, या पोमेड, हेयर पोमेड, बटर पोमेड भी बोलते हैं, कितने नाम मैं बोलूँ, क्योंकि मैं ये बनाती हूँ, आई सेल ऑल्सो, एंड मैं आई टीच एंड आई मेक। तो आने वाले टाइम में अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी हेल्थ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के लिए, सो यू कैन वॉच ऑन द यूट्यूब ऑन माय चैनल। मेरे 2 चैनल हैं, फेथ कुक्स और फेथ हर्ब्स, और फेथ हर्ब्स जो है मेरा कॉस्मेटिक बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस मैं लेती हूँ, वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप उसमें से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू। अभी इसमें मैंने वैसलीन और इसमें मैंने एलोवेरा जेल भी मिलाया है, ताकि ये एक्स्ट्रा कंडीशनिंग दे और एक्स्ट्रा मॉइस्चर दे। अभी मैंने इसको मिक्स किया है, और अभी मैं फिर एक बार इसमें हैंड ब्लेंडर चलाऊंगी। सो ये दिस बिकम्स लाइक बटर। You will massage in the roots
एंड ऑन द हेयर लाइक दिस।